सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के। तो फाइनली भाई पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ बात की थी कि भाई मैं आपके साथ कुछ बातें करने वाला हूं MIUI 10 9.4.25 की ग्लोबल बीटा अपडेट को लेकर। तो यहां पर फाइनली आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जान लेते हैं कि भाई यहां पर चेंजेस किन किन डिवाइसेज में किए गए हैं, कि किन किन को अपडेट देखने को मिलेगी भी या नहीं और कब तक देखने को मिलेगी। अगर तो भाई आप भी ये सब कुछ जानने में इंटरेस्ट रखते हो तो इस वीडियो को एंडिंग तक देख लीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए इंट्रो प्लीज। तो भाई कभी ना कभी आपके दिमाग में ये तो अब सवाल आया ही होगा, कभी ना कभी तो क्या भाई कल रात से ही आपके दिमाग में आया होगा कि भाई यहाँ पर डिवाइसेस में अपडेट तो रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो गई है, मगर अभी तक मुझे नहीं ये देखने को मिली है। तो क्या ये आने वाले वक्त में मुझे कुछ देखने को मिलेगी या नहीं, क्योंकि कुछ डिवाइसेस में चेंजेस कर दी गई हैं और कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको नहीं दी गई अब अपडेट, हालांकि उनको मिलनी चाहिए थी, मैंने पिछली वीडियो में कहा भी था, मगर यहाँ पर MIUI ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। हालांकि मैंने आपके साथ डिवाइस की बात कर ली थी पहले, मगर यहाँ पर अब चेंजेस आ गए हैं तो इसीलिए मैं आपके साथ चेंजेस पूरे शेयर करने वाला हूँ। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर MIUI 10 9.4.25 के चेंज लॉग और डाउनलोड लिंक्स की दी गई है हेडिंग। तो यहाँ पर जो सपोर्टेड डिवाइसेस में आ जाता है वो आता है MIUI मैक्स प्राइम और MIUI मैक्स भी कह सकते हैं हम, यहाँ पर रेडमी 5A, रेडमी नोट 4X, MIUI मैक्स 2, रेडमी Y1, Y1 लाइट, रेडमी नोट 5, रेडमी नोट 5, उसका MIUI मिक्स 2, रेडमी Y2, रेडमी नोट 5 प्रो, पोको F1, रेडमी 6, रेडमी 6A, रेडमी 6 प्रो, रेडमी नोट 6 प्रो, ये डिवाइसेस सपोर्ट करती हैं हमारी इस अपडेट को, मतलब कि ये जो अपडेट है ये इनको देखने को मिलनी चाहिए थी। देख लेते हैं मिली भी है या नहीं। तो यहाँ पर जो नीचे है थोड़ा सा बता दिया गया है हमें, थोड़ा सा इम्प्रूव मतलब कर दिया गया है, यहाँ पर है अपडेट 9.4.25 फॉर रेडमी नोट 4 एंड रेडमी नोट 5 एंड MIUI 6 हैज बीन सस्पेंडेड ड्यू टू सिस्टम एरर्स। पिछली अपडेट में मुझे लगता है कि MIUI 6 के लिए एंड्रॉयड पाई आया था जो कि अपडेट में रिलीज़ किया गया था बीटा में, मगर यहाँ पर एरर्स आ गए हैं। तो सिंपल सेम आ गया है भाई, वही प्रॉब्लम आ गई है रेडमी 5A वाली कि भाई हमें जानबूझकर अपडेट से डिले किया जा रहा है। और यहाँ पर अब मुझे एक बात और समझ नहीं आती कि पोको F1 के साथ इनकी अब क्या दुश्मनी थी जिसकी वजह से इनकी जो पोको F1 की जो अपडेट है वो सस्पेंड कर दी गई है 9.4.25। अब यहाँ पर समझ आ जाती है कि भाई अगली जो हमारी अपडेट्स होंगी वो भी क्या इसके फ़ोन के लिए मतलब डिले कर दी जाएंगी या दी भी जाएगी। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ कि हो सकता है कि आपको अगली अपडेट देखने को मिले, या हो सकता है आपको मंडे को भी नाइटली बेस अपडेट पोको F1 के लिए देखने को मिल सकती है। रेडमी नोट 4, रेडमी नोट 5 की बात करूँ या MIUI 6 की बात करूँ, भाई यहाँ पर मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूँगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं आई है, क्योंकि पहले हमने गेस करके भी हमें आपको एक्सपेक्ट डेटें भी बताई हैं मगर वो भी सारी झूठें आ रही हैं। इसी वजह से मैं आपको किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता, क्योंकि MIUI 6 के बारे में भी फ्रेंड्स आप जानते हैं कि अब जैसा कि रेडमी Y2 में एंड्रॉयड पाई का ना हो गया था, तो यहाँ पर अब इसे भी थोड़ा सा डिले कर दिया गया है और ये MIUI की खुद की गलती है। और चेंज लॉग के बारे में मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर लिया है कि चेंज लॉग में हमें क्या कुछ देखने को मिला है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब थोड़े मोटे एडिट वगैरह फिक्सेस वगैरह किए गए हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ सपोर्टेड डिवाइसेस वगैरह की मैंने बात करनी थी, मगर यहाँ पर आप सपोर्टेड ये जो डिवाइसेस ये कर सकती हैं मगर यहाँ पर फिर भी इनके लिए सस्पेंड कर दी गई है, हैरत की बात है वैसे, क्योंकि इन सभी डिवाइसेस के लिए सस्पेंड है, सपोर्टेड है वैसे मगर सस्पेंड है कुछ डिवाइसेस वैसे, क्या बात है। रेडमी Y2 को भी होप नहीं देखने को मिली होगी मुझे पता है, रेडमी नोट 5 को भी देखने को नहीं मिली, और उसके साथ कुछ और भी डिवाइसेज हैं जिनको नहीं देखने को मिली, तो MIUI को खल्ले मारो। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपके साथ यही सब कुछ शेयर करना था इस वीडियो में। अगर तो वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर तो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।